Hi dear students, good morning. Hope all of you are keeping well and good. In the previous classes we have discussed about many type of determinants and I hope you all learned it very well. Now today we are discussing about the remaining type of determinants. We have completed up to fourth one and now the fifth one is numbers. जो नाउन के साथ नाउन का बारे में अपन बताने के लिए उनका पोजीशन के बारे में या उनका क्वालिटी के बारे में वगैरह बताने के लिए अपन जो नंबर्स यूज करते हैं उनका डिटरमिनेंट्स सिग्निफाइंग नंबर्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन डेफिनेट नंबर एंड द अदर वन इज इनडेफिनेट नंबर्स. द डेफिनेट नंबर्स इंडिकेट definite number such as 1, 2, first, second. So इसका quantity अपन exactly define कर रहे हैं, है ना? या इसका position अपन exactly define कर रहे हैं. Indefinite number में क्या होता है? This indicates indefinite number. उसका अपन countable नहीं है. These are some, many. Many a few, all, lots of, a great deal of, a good deal of, plenty of, large number of, several, etc. These all are indefinite numbers. इधर अपने को countable नहीं है, but in this situation, it is the definite number is countable. Yeah, the position is clear, right? Now discuss many a. कहाँ use करते हैं? It means several, but singular noun is used with. इसमें singular noun अपन use करते हैं, but ये several होगा, एक के बारे में नहीं होगा. For example, many a man has lost everything due to their greed. Many a man, इधर singular noun use किया है, a man. But आगे अपन many यूज किया है. मेनी ए मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड. कईयों में से एक आदमी, बहुत सारों में से एक, इधर सेवरल का मीनिंग समझ में आ गया ना, सेवरल मेनी. कईयों में से एक आदमी अपने लालची के वजह से, ग्रीड मीन्स लालची, लालच, लालच के वजह से सब कुछ खो देते हैं. तो एक आदमी के बारे में नहीं है ये, लेकिन इधर सिंगुलर नाउन यूज किया है, राइट? मेनी ए मैन, कईयों में से एक, बहुत सारों में से एक, सभी लोग लालच से अपना क्या करते, सब कुछ खो नहीं देते, लेकिन कईयों में से एक तो है. इसका मतलब एक आदमी नहीं है, अलग अलग में से अलग अलग आदमी ऐसे ग्रीड होते हैं, लेकिन वो कईयों में से एक ही होता है, एक ग्रुप में से एक, मतलब कईयों में से मतलब एक ग्रुप में से एक होगा, है ना? तो है, सब जगह है, इट्स नेचुरल फैक्ट, इसलिए वहां अपन मेनी ए यूज किया है. नेक्स्ट वन ऑल. ऑल मीन्स, इट मीन्स इंक्लूडिंग एवरी वन और एंटायर अमाउंट देयर इज. जिस चीज के बारे में अपन बात करते हैं, जिस ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसमें सब, ऑल में सब इंक्लूड है. क्लियर? एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल ऑफ अस वेयर टायर्ड, इंक्लूडिंग द स्पीकर, जो बात करने वाला है ना वो भी मिला है इसमें, है ना? All of us में, all of us were tired, अपन सब थक चुका है ना? So, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं बोल रहे और सबके बारे में बोल रहे, वहां अपन all यूज करते. Then, a lot of, बहुत सारा, a great deal of, a good deal of, plenty of, a large number of, ये सब. And all these are used before singular अनकाउंटेबल. सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये चीज ध्यान रखना, सिंगुलर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल. काउंटेबल वहां सिंगुलर नहीं होना चाहिए और अनकाउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना? इनके साथ एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स काउंटेबल है ना, ये फ्रेंड्स काउंटेबल है, बट कितना नंबर है वो नहीं बता रहे, वहां अपन ए लॉट ऑफ यूज करते हैं, है ना, बहुत सारा, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। सेकंड वन, पीपल हैव ए गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोगों को एक विश्वास है। पीपल हैव, है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल, पीपल हैव ए लॉट ऑफ गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी, राइट, होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट्स क्या है, ईच एवरी इधर एंड नेदर, है ना, ईच वन ऑफ, है ना, एवरी वन अपन यूज करते हैं ना, ईच वन ऑफ मतलब हर एक, ईच वन मतलब हर एक, एवरी एवरी मीन्स सब, इधर दोनों में से एक, इधर का मतलब है इधर ए हो सकते या दूसरा हो सकते, इधर दोनों में से एक, नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं है। ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट्स। ईच का एग्जाम्पल देखें, इट इज यूज्ड फॉर डेफिनेट नंबर, काउंटेबल नंबर है, and it is used when the number of person or thing is limited or less, and it is used before a person or things limited or less, both limit hoga kam hoga uske bare mein bolte samay each, every apan kahan use karte hain, it is used for indefinite number, indefinite number apan फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे जो नंबर्स है उनके सामने अपन एवरी यूज करते हैं। एग्जांपल, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, वहां क्वेश्चंस लिमिटेड है इसलिए वहां अपन ईच यूज किया है ना, ईच क्वेश्चन कैरी, हर एक क्वेश्चन बराबर मार्क्स होते हैं, है ना, ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट वन एवरी का देखना, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, इस लेटर का हर एक वर्ड, सभी वर्ड सही है, ईच एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज, ईच वर्ड ऑफ नहीं बोलते, क्या बोलते अपन, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। नेक्स्ट है इधर, इधर रूम इज गुड, इधर रूम इज गुड मतलब दोनों रूम अच्छा है, और नेदर क्या होता है, नेदर बॉय वॉज प्रेजेंट, नेदर बॉय वॉज प्रेजेंट, कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं थे, वहां नेदर का नेगेटिव मीनिंग है और इधर का पॉजिटिव मीनिंग है, राइट। नेक्स्ट है ओनली लिखा है, ओनली इज यूज्ड टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग एल्स, ओनली एक ही के बारे में, मात्र एक ही के बारे में बोलने के लिए अपन ओनली यूज करते हैं। संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी लेने के लिए सिर्फ मात्र संगीता ही कैपेबल है ना, तो वहां ओनली कौन सा केस में यूज किया, इसके अलावा क्लास में, उस क्लास में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं, इन दैट केस। द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर आवर मनी इज सेफ, मतलब बैंक के अलावा कोई जगह में अपने मनी अपन सेफ नहीं रख सकते, बैंक में अगर अपने मनी डिपॉजिट किया तो वहां सेफ रहेंगे, है ना, सो सिर्फ एक ही है, इन दैट केस वी यूज ओनली। रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस फूड, रहीम अकेले ही है, मात्र रहीम ही है जो ऐसे स्वादिष्ट फूड खाना बना सके, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिक्स डिटरमिनेंट्स, सिक्स टाइप ऑफ, सिक्स काइंड ऑफ determiners, hope you all understand this, okay, now we are going to start our exercise, ye exercise aap pehle dekh lena aur ye khud hi karne ka koshish karna, tab jaake pata chalega aapko ye determiners ke bare mein idea hai ya nahi, theek hai, you have to
फाइंड द आंसर्स योरसेल्फ। कैन यू? एक बार मैं आपको बता देता हूं, आगे जो भी लेसन से वो एक्सरसाइज सब आपको खुद ही करना है, तब जाकर अपन को पता चल जाएगा ये समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, द फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द और एक्स। एक्स मीन्स इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ये कॉपी में उतारना और समझना, समझ के उतारना। अब मैं जो बोल रहा हूं, मेरे लिखने से पहले आप लोग बोल के देखना सही है क्या। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले यू थिंक अबाउट इट, डोंट लुक द आंसर पेज। आंसर पेज देखे आप लोग करने से कोई मतलब नहीं है, वो लास्ट में देखना है आपका आंसर सही है या गलत है, वो आंसर बुक में देखना है। राइट, द फर्स्ट वन, शी इज डैश एंड टाइडी गर्ल। क्या आना चाहिए? अनटाइडी। क्या आना चाहिए? इधर देखना कौन सा आर्टिकल आता है, इधर बबल साउंड आ गया ना, बबल साउंड आ गया ना इधर। सो क्या यूज करना है, अगर ये बेड के आगे बबल साउंड आ गया तो देयर वी यूज एन, एन शी इज एन अनटाइडी गर्ल। ओके, सेकंड वन आप लोग देखो, शी स्कोर डैश हाईएस्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो अपन ने ये लर्न किया था, ये पढ़ चुका है, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री हाई हायर हाईएस्ट है ना, ये हाई एडजेक्टिव है और उसका सुपरलेटिव डिग्री है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के आगे हमेशा क्या आते हैं बता सकते हैं? द, है ना। कहीं भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आ गया, उसके आगे अपन आर्टिकल द लगाते हैं। क्या है? द। अप्रैल इज डैश फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। अपन एक बोला था पर्टिकुलर टाइम के बारे में और पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताते समय अपन आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं? द। क्या है? द यूज करते हैं। अप्रैल इज ए फोर्थ नहीं बोलते, एन फोर्थ नहीं बोलते, और फिर क्या आएगा? अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। राइट, नेक्स्ट वन, ये आपको कंफ्यूज हो गए, क्लियर करना अभी हाथों हाथ। सुनील डैश वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गोन होम। राइट, सो क्या आना चाहिए? ए वॉचमैन आना चाहिए या द वॉचमैन आना चाहिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में लिखते समय अपन हमेशा क्या लिखते हैं? अगर ए लिख दिया तो कोई भी वॉचमैन हो सकते हैं, लेकिन ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अपना कॉलोनी का वॉचमैन। सो व्हाट शुड कम हियर? ए पर्टिकुलर वॉचमैन के बारे में, सुनील द वॉचमैन है ना, द वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन। इधर डैश दिया है, इसमें क्या आना चाहिए? अपन को लिखना है ये इन तीनों में से एक या एक्स। एक्स मींस ये तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यही लिखना है। तो इधर द सुनील द वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन होम, इसके आगे आपको इधर कुछ है? लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए एक्स डाल दिया। राइट, सुनील द वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन होम। ठीक है, ये गॉन होम, इधर वर्ड दूसरा कोई वर्ड यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन को ये तीनों में से या चारों में से कोई ऑप्शन लेना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटरमिनेंट्स लिखा ना, तो इन दैट केस वी कैन यूज हियर हिज। सुनील द वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन हिज होम लिख सकते हैं, बट हियर हिज वाला ऑप्शन अपन को पॉसिसिव डिटरमिनेंट का ऑप्शन अपन को दिया नहीं है। राइट, क्लियर। तो क्वेश्चन पहले ध्यान देना क्या क्या लिखना है। राइट, तो इधर
एक्स लिख दिया अपने। ओके नेक्स्ट, विच इज डैश नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। इधर भी दो रीजन है, एक तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया और दूसरा द पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन जो अपने सबसे पास में है, ये दोनों केसेस आ गए इधर। ठीक है, इन दोनों, इन दैट टू केसेस वी यूज द, विच इज द नियरेस्ट, विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, डैश गंगा इज डैश रिवर फॉर हिंदूस। तो इसमें अपन को पता है जो चीज दुनिया में एक ही है, गंगा, गंगा रिवर दुनिया में एक ही है, तो आगे क्या आना चाहिए, ये गंगा बोलते हैं, अगर ये गंगा बोलना है तो दूसरा भी गंगा होना चाहिए, लेकिन गंगा एक ही है, इसलिए अपन इधर क्या लिखते हैं, द गंगा इज सेक्रेट, द सेक्रेट, द सेक्रेट रिवर फॉर, और कोई भी रिलीजन के बारे में लिखते समय भी अपन क्या लिखते हैं, द द गंगा इज द सेक्रेट रिवर फॉर द हिंदूस। क्लियर। सो बाकी आप लोग ढूंढते रहना, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आंसर बता के देंगे उससे पहले आप लोग ये फिनिश करना, और प्लीज डोंट लुक एट द आंसर्स, जो किताब के पीछे में जो पीछे जो आंसर दे रखा है वो आंसर मत देखना, आंसर देखे आप लोग लिखने से आप लोगों को कोई आइडिया नहीं मिलते, राइट, इसलिए समझ के लिखना, जो गलत हो रहे तो अपन कल करेक्शन कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।